hello children in this video you will get to know what is MySQL, what is SQL and uh, the classification of SQL commands okay so the first question is what is mySQL mySQL kya hota hai, right So MySQL is an open source and freely available relational database management system that uses structured query, लैंग्वेज तो माई एस्ल क्या है माई एक सॉफ्टवेयर है ओके okay? कैसा सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स ओपन सॉफ्ट सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जिसकी जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है यूज़र्स के लिए ओके okay? तो यूज़र्स सोर्स कोड में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं ओके okay? और चेंज करने के बाद आगे वो इसको डिफरेंट वे से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं राइट right? तो माई एस्किल क्या है ओपन सोर्स है मीन्स इसका सोर्स कोड अवेलेबल है ओके okay, हम जो यूजर्स होते हैं एंड यूजर्स वो उसको देख सकते हैं चेंज करना चाहते हैं सोर्स कोड में तो चेंज भी कर सकते हैं ओके एंड फ्रीली अवेलेबल मींस इसको हम विदाउट गिविंग एनी कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है इंटरनेट से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमें कोई इसके लिए कोर्स नहीं देनी है ये फ्री है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ये कौन सा डेटाबेस ये जो सॉफ्टवेयर है ठीक है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर डेटाबेस स्टोर किया जाता है कौन सा डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस राइट रिलेशनल डेटाबेस आपको पता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और वॉट आर रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ओके और ये सॉफ्टवेयर वर्क करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करता है ये सॉफ्टवेयर यूज करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल ओके समझ आया माई एसक्यूल क्या है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ठीक है एंड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं कौन से डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस को मींस इन विच द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस व्हाट आर रिलेशंस दीज आर टेबल्स ओके और ये जो सॉफ्टवेयर है वो काम करने की काम करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल एसक्यूएल को सिक्वल भी कहा जाता है ओके नाउ नेक्स्ट बीइंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रीली एंड इजली फ्रॉम डब्ल्यू 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 डॉट माई एसकल डॉट ओ आर जी ओके ये मैंने आपको बताया कि ओपन सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है मीन्स आप इस, इसकी कोडिंग देख सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाए राइट right? और इसको आप विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट ठीक है आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी एक जो एक जेन्यून वेबसाइट है वो है डब्ल्यू 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 डॉट माई एसकेल डॉट ओ आर जी राइट इट प्रोवाइड एक्सीलेंट फीचर्स फॉर क्रिएटिंग स्टोरिंग मेंटेनिंग एंड एक्सेसिंग डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड देयर रिस्पेक्टिव टेबल्स ओके okay? तो जो ये सॉफ्टवेयर है ठीक है ये क्या है ये एक बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए स्टोर करने के लिए उसको मेंटेन अच्छे से करता है एंड आप इजीली इस डेटाबेस इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हो राइट ओके इन द ओर्जो डेटा ठीक है और यहां पे आपको पता है कि रिलेशनल डेटाबेस में जो भी डेटा होता, होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है राइट स okay? तो होता है जैसे हम माई स्क्रिल की जब कोडिंग करते हैं माई स्क्रिल के अंदर जब हम कोडिंग करते हैं तो एक डेटा बेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं राइट right? तो इट इज टेलिंग यू की आप एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स को स्टोर कर सकते हो और और टेबल्स के अंदर आप थाउजेंड्स ऑफ था। रिकॉर्ड्स था। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो राइट इट इज़ फुली सिक्योर्ड रिलाल एंड फास्ट एंड प्रोसेस बेटर फंक्शनैलिटीज देन मैनी अदर कमर्शियल आर डी बी एम एस अवेलेबल इन द मार्केट ओके तो ये कह रहा है कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है रिलायबल है सिक्योर है और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं उनसे ज़्यादा फास्ट है ठीक है ओके और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो जो और दूसरे रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं मतलब सॉफ्टवेयर है उनसे ज़्यादा अच्छी है फाइन तो यहां आपको पता चल गया कि माई होता क्या है माई इज अ सॉफ्टवेयर ओके ओके नाउ वी हैव व्हाट इज एसक्यूएल ओके एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अभी मैंने आपको बताया था माई एसक्यूएल क्या होता है माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ओके ओके नाउ एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्डाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू मैनेज रिलेशनल डेटा एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन द डेटा इन देम ठीक है एसक्यूएल क्या है लैंग्वेज है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है रिलेशनल डेटा बेसिस को मैनेज करती है ओके okay? और रिलेशनल डेटा बेस मीन्स रिलेशनल डेटा बेस को बनाने में उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने में टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करने में ओके हाउ यू विल और डेटा को एक्सेस करने में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है वो है एसक्यूएल ओके okay? तो यहां पे SQL क्या है? राइट एसकिल कमांड्स टू क्रिएट ट्रांसफॉर्म रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है तो ये क्या कह रहा है एसकिल कमांड्स हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए क्रिएट करने के लिए ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करने के लिए रिट्राइव इंफॉर्मेशन रिट्राइव मतलब एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कहाँ से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से एंड आल्सो टू क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द डेटा अब जो ये लैंग्वेज है स्किल वो क्या करती है वो इंटरफेस बनाती है यूज़र और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस क्या होता है मीडियम ठीक है मीडियम होता है एक एक रास्ता जिसके थ्रू आप किसी से बात करते हो ठीक है तो यहाँ पे हमें डेटा बेस को अगर एक्सेस करना है तो हम एस्किल की कमांड्स का यूज़ करेंगे हमें डेटा बेस के अंदर और डेटा डालना है तो अब हम एस्किल की कमांड्स का यूज़ करेंगे ओके डेटा बेस के अंदर हमें कोई चेंज करना है तब हम एस्किल की कमांड्स का यूज़ करेंगे तो ये क्या कर रहा है एक मीडियम है ठीक है एस्क्यूल लैंग्वेज क्या है एसक्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है और मीडियम को हम क्या बोलते हैं इंटरफेस ठीक है इंटरफेस है हमारा मतलब यूजर और डेटाबेस के बीच में ठीक है By using SQL command, one can search any data in the database and perform other functions like create tables, add records, modify data, remove row, drop tables. तो so, SQL command की help से आप database के अंदर कोई भी function कर सकते हो। You can search any data in the database. आप database के अंदर कोई भी data search कर सकते हो और कोई भी function कर सकते हो। आप उसके अंदर tables create कर सकते हो, tables के अंदर records add कर सकते हो। अगर जो पहले से डेटा है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो ठीक है आप टेबल्स की रोज uh, को रिमूव कर सकते हो आप कंप्लीट टेबल को रिमूव कर सकते हो डिलीट कर सकते हो ओके सो ऑल द फंक्शंस ओके ऑल द फंक्शंस यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज राइट तो यहाँ पे हमको समझ आ गया व्हाट इज़ माय एसक्यूएल एंड व्हाट इज एसक्यूएल एसक्यूएल माय एसक्यूएल इज अ सॉफ्टवेयर एंड एसक्यूएल इज द लैंग्वेज व्हिच इज़ विच इज यूज बाई माई स्किल सॉफ्टवेयर ओके टू क्रिएट देश टू डू ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द डेटाबेस नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एस्किल स्टेटमेंट ठीक है एसकिल स्टेटमेंट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं एसकिल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स और कमांड्स फॉर डिफरेंट पर्पज ठीक है एसकिल जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए ठीक है दीज स्टेटमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज और जो स्टेटमेंट्स है हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है राइट फर्स्ट वी हैव द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डी डी एल देन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डी एम एल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डी सी एल ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल तो हमने क्या किया है यहाँ पे SQL commands को और यू कैन से डिवाइड कर दिया है और डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज है सो वी आर गोइंग टू डू दीज टू कैटेगरीज ऑफ एसक्ल कमांड ओके नाउ फर्स्ट वी हैव डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड दैट इज डी डी एल कमांड्स ओके डी डी एल कमांड्स आर यूज टू डिफ़ाइन द डेटा बेस स्ट्रक्चर और स्कीम ठीक है जो डे डी डी एल कमांड्स होती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होती हैं वो किस लिए यूज़ होती है वो यूज़ होती है डेटा बेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए मतलब उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ओके इसकी हेल्प से आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो जैसे आपको एक बॉक्स सबसे पहले कैक बॉक्स बनाना है तो DDL कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड क्या करेंगे आपको बिल्डिंग बनानी है एक स्ट्रक्चर बनाना है फिर उसके बिल्डिंग के अंदर आपको अपना सामान डालना है बेड सोफा जो भी आप डालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या चाहिए एक बिल्डिंग चाहिए एक, एक आपको हाउस चाहिए आप हाउस बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हमने क्या करना है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स की हेल्प से सबसे पहले आपको डेटा बेस कर स्ट्रक्चर बनाना है राइट right? स्कीमा और स्ट्रक्चर आर द सेम टर्म ओके तो हियर वी हैव एग्जांपल ऑफ डीडीएल कमांड्स हमारे पास डीडीएल कमांड्स के कुछ एग्जांपल हैं डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं बहुत सारी आती है लेकिन उसमें से हमने कुछ लिए इंपॉर्टेंट कमांड्स फर्स्ट वी हैव क्रिएट कमांड ओके टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन तो क्रिएट कमांड का क्या यूज है क्रिएट कमांड की हेल्प से आप डेटा बेस डेटाबेस डेटा को क्रिएट करोगे डेटा के की ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करोगे डेटा के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं टेबल्स होते हैं ओके व्यूज होते हैं राइट तो क्रिएट कमांड की हेल्प से आप क्या करोगे डेटाबेस को क्रिएट करोगे टू क्रिएट डेटाबेस क्रिएट टेबल्स तो यहाँ पे क्या बन रहा है डेटा का स्ट्रक्चर बन रहा है ये आपका डेटाबेस बना दिया उसके अंदर आपने टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया आउटर क्या है आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर बन गया अंदर आपका टेबल का स्ट्रक्चर बन गया सिंपली स्ट्रक्चर बन बना अभी इसके अंदर डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है क्यों क्योंकि डी डी एल कमांड क्या करती है इट ओनली डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस राइट ओके ऑल्टर कमांड ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेसिस ओके आपको स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है ठीक है आप स्ट्रक्चर को चेंज कर दो ऑल्टर कर दो ऑल्टर मीन चेंज करना alter database okay alter database means to change the structure of the database alter table आप टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो टू ऐड अ कॉलम आपको एक कॉलम और ऐड करना है वो ऐड कर दो टू ऐड एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आपको कोई कंस्ट्रेंट उसके अंदर ऐड करना है कंस्ट्रेंट क्या होते हैं रूल्स होते हैं फाइन आप उसके अंदर टेबल के अंदर जो हम कंस्ट्रेट होते हैं वो हम कब लगाते हैं जब टेबल हम क्रिएट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम टेबल क्रिएशन के टाइम पर कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं लगाते हैं राइट right? तो आपको अंदर टेबल के अंदर कोई कंस्टेंट ऐड करना है तब आप वो ऑल्टर टेबल की हेल्प से कर सकते हो टू रीडिफाइन अ कॉलम ठीक है किसी कॉलम का आपको डेटा टाइप चेंज करना है साइज चेंज करना है वैल्यू चेंज करनी है डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने दी है वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो ऑल्टर कमांड की हेल्प से ठीक है देन वी हैव ड्रॉप ड्रॉप कमांड डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटा बेस हमें क्या करना है कुछ आ, कोई भी ऑब्जेक्ट डेटा बेस को डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है तो हम क्या कर सकते हैं ड्रॉप ड्रॉप कमांड का यूज़ कर सकते हैं सो बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स क्या है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स वो कमांड्स है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं डेटा बेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ओके फाइन और उस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज हम कर सकते हैं राइट तो हेयर वी आई हैव शोन यू सम एग्जांपल्स ऑफ डीडीएल कमांड क्रिएट टू क्रिएट द टेबल टू क्रिएट द डेटा अल्टर ऑल्टर टू चेंज ऑल्टर कमांड इज यूज टू मेक चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ़ द डेटा बेस टू चेंज टू मेक चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल ड्रॉप टू डिलीट द ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट मीन्स टू डिलीट द टेबल ओके टू डिलीट द डेटा बेस ऑल दिस ओके सो डेटा are टू डिफाइन द the database स्ट्रक्चर फाइन ओके हमने डी डी एल कमांड से क्या किया डीडीएल कमांड से हमने डेटा बेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया नाउ वी हैव डेटा बेस का स्ट्रक्चर बना लिया राइट right? हम हम लोगों ने उसके अंदर टेबल्स का भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया तो ये सब क्या एम टी अभी ठीक है ये दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर ये सिर्फ ढांचा है

ओके okay. और जो भी आप डेटा के अंदर चेंज करना चाहते हो आप डेटा के अंदर चेंज कर सकते हो राइट वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल्स विद द हेल्प ऑफ डीडीएल कमांड्स नाउ वी विल इंसर्ट द डेटा विद द हेल्प ऑफ डीएमएल कमांड्स एंड वी कैन आल्सो मेक चेंजेस इन द डेटा विद द हेल्प ऑफ डीएमएल कमांड्स राइट सो हियर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ डीएमएल कमांड्स सेलेक्ट फर्स्ट कमांड इज सिलेक्ट रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटा बेस टेबल ओके तो अगर आपके डेटा बेस में कोई भी डेटा है टेबल्स के अंदर डेटा है तो आप सिलेक्ट कमांड की हेल्प से उनको रिट्राइव कर सकते हो रिट्राइव मीन्स उनको एक्सेस कर सकते हो उनको ले सकते हो इंसर्ट इंर्ट डेटा इन टू द डेटा बेस टेबल इन इंसर्ट कमांड की हेल्प से आप डेटा डाल सकते हो टेबल्स के अंदर ठीक है इंसर्ट की हेल्प से आप डेटा डाल सकते हो सिलेक्ट की हेल्प से आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हो मतलब एक्सेस कर सकते हो अपडेट अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन द डेटा बेस अपडेट की हेल्प से आप डेटा को अपडेट कर सकते हो जो भी आपको डेटा के अंदर चेंज करना है वो अपडेट है कमांड की हेल्प से आप कर सकते हो राइट right? Then you have delete. Delete all the records from the table. अगर आपको सारे uh, records delete करने हैं तो आप delete की help, delete all की help से कर सकते हो और आपको few records delete करने हैं तो आप क्या करोगे particular condition लगा के और delete command का कर use करके उसको delete कर सकते हो, right? तो DDL commands की help से हमने structure को बनाया। डेटा बेस के स्ट्रक्चर टेबल का स्ट्रक्चर डी एम कमांड की हेल्प से हमने इसके अंदर डेटा को इंसर्ट किया डेटा को एक्सेस किया जो भी डेटा के अंदर चेंज करना है वो हमने किया ठीक है अगर डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट किया राइट right? तो डी एम एल डी डी एल कमांड इज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस एंड द डेटा बेस ऑब्जेक्ट एंड डीएमएल कमांड डील्स विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटा बेस राइट तो जितना भी आप डेटा बेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है उसमें जो भी चेंजेस करना है इंसर्ट करना है डिलीट करना है अपडेट करना है एक्सेस करना है वो आप डीएमएल कमांड की हेल्प से करोगे ओके okay? ओके okay, ये मोस्टली एक क्वेश्चन आ जाता है वन मार्क मार्क या टू का तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस दे दिया है डिफरेंस बिटवीन द डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स राइट डी डी एल फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज राइट सबसे पहले आपने उनकी फुल फॉर्म दे दी डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज ओके डी एम एल क्या है डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज डी डी एल क्या है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स वो डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और डीएमएल क्या है डेटा में जो भी मैन्युपुलेट करना है जो भी मैन्युपुलेशन करना है वो डिफाइन करता है राइट right? नवी एफ डी एल डी डी एल इट कंटेन्स कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द डेटा बेस ये मैंने भी आपको बताया डी डी एल करता है क्या डी डी एल का क्या यूज है ये डेटा बेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और डेटा बेस के अंदर जो आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो उनका ऑब्जेक्ट ये क्या करता है डिफाइन करता है बताता है राइट right? डी एम एल इट कंटेन्स कमांड दैट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस एंड मैन्युपुलेट डेटा इन द डेटा बेस तो डी एम एल कमांड्स क्या करते हैं इसकी हेल्प हाँ से हम क्या कर सकते हैं डेटा इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं मैन्युपुलेट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो डी डी एल क्या है स्ट्रक्चर डिफाइंड करता है टेबल का स्ट्रक्चर डेटा बेस का स्ट्रक्चर और भी ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो डेटा है ठीक है डेटा के आप साथ जो भी फंक्शन करना चाहते हो वो डी एम एल

वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक आपको आपके सिलेबस रिलेटेड कंप्लीट एस्किल कमांड्स ओके मेरे चैनल पर वीडियो में मिल जाएंगी लर्न माई एस्किल इन वन वीडियो ओके उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न ऑल द कमांड्स यू कैन वॉच डैट वीडियो ओके ओके नाव बाय बाय